हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। काफी टाइम के बाद अल्लू अर्जुन से जुड़ी दो बड़ी खबर सामने आई है। ऑफिशियल नहीं है, लेकिन खबरों की माने तो पुष्पा दी रूल में विजय सेतुपति विलन के रोल में नजर आएंगे। जी हाँ, पुष्पा के दूसरे पार्ट में विजय सेतुपति विलन के रोल में नजर आ सकते हैं। काश ये खबर सही हो जाए और विजय सेतुपति अल्लू अर्जुन के साथ विलन के रोल में नजर आए। मुझे विजय सेतुपति के ऊपर विलन का रोल काफी अच्छा लगता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगले महीने अगस्त में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी और ये फिल्म मिड 2023 में रिलीज होगी। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। और खबरों की माने तो पुष्पा दी रूल के बाद अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म डायरेक्टर त्रिविक्रम के साथ हो सकती है। डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने ही अल्लू अर्जुन की फिल्म अला वैकुंठापुरम अल्लू को डायरेक्ट किया था। अभी त्रिविक्रम सर महेश बाबू की फिल्म को डायरेक्ट करेंगे जो 2023 में रिलीज होगी। तो महेश बाबू और पुष्पा की शूटिंग पूरी होने के बाद त्रिविक्रम सर और अल्लू अर्जुन की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी। पर सवाल ये है कि आइकन और उस फिल्म का क्या जिसे कोटला शिवा डायरेक्ट करने वाले थे, तो अभी इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं आई है। देखना होगा कि पुष्पा दी रूल के बाद अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म किस डायरेक्टर के साथ होने वाली है। लाइगर फिल्म में से विजय देवरकोंडा का एक नया फोटो शेयर किया गया है। जी हाँ, मैंने भी काफी ध्यान से देखा है, भाई ने चड्डी भी उतार दी है। यहाँ इस फोटो में विजय देवरकोंडा काफी बोल्ड लुक में नजर आ रहे हैं। बॉडी दिखाने के लिए डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने विजय देवरकोंडा की चड्डी भी उतरवा दी है। अब देखना होगा कि मूवी में क्या सीन होता है। ये एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट किया है। विजय देवरकोंडा के साथ अनन्या पांडे, रोनित रॉय और रामाया कृष्णन अहम भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म 25 अगस्त को रिलीज होगी। राम पुतनिनी की अपकमिंग फिल्म दी वॉरियर का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है। राम पुतनिनी डीएसपी के रोल में है, वहीं आदि पिनिसेट्टी गुरु के रोल में है जो इस फिल्म में मैन विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। इस फिल्म की कहानी पुलिस और एक खतरनाक गैंगस्टर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। आदि पिनिसेट्टी का लुक काफी अच्छा लगा। तो अब देखना होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। दी वॉरियर 14 जुलाई को रिलीज होगी। हॉलीवुड की दो बड़ी सिक्वल फिल्मों की रिलीज डेट कंफर्म हुई है। मॉन्स्टर यूनिवर्स की अगली फिल्म यानी कि गोडजिला वर्सेस कॉन्ग का सिक्वल 2024 में रिलीज होगा। ये फिल्म 15 मार्च 2024 को रिलीज होगी। साईफाई ड्रामा फिल्म ड्यून के सिक्वल की रिलीज डेट चेंज कर दी गई है। ड्यून का दूसरा पार्ट 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज होने वाला था, लेकिन अब ये फिल्म 17 नवंबर 2023 को रिलीज होगी। और फाइनली तमिल मच अवेटेड फिल्म पोन्नियिन सेल्वन का प्रमोशन स्टार्ट हो गया है। एक पोस्टर रिलीज हुआ है जिसमें बताया गया है कि ये फिल्म जैसा कि कहा गया था 30 सितंबर को ही रिलीज होगी। खबरों की माने तो पोन्नियिन सेल्वन का टीजर इसी महीने रिलीज होगा। टीजर की अपडेट बहुत ही जल्द आने वाली है। काजोल अब वेब सीरीज में भी डेब्यू करने जा रही हैं। सीरीज को लेकर अभी ज्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज होगी जिसे सुपर्ण वर्मा डायरेक्ट करेंगे। सुपर्ण वर्मा ने दी फैमिली मैन सीजन 2 के करीब 5 एपिसोड को डायरेक्ट किया था, तो वही अभी सीरीज को डायरेक्ट करेंगे जिसमे काजोल लीड रोल में नजर आएंगे। चिरंजीवी के मच अवेटेड फिल्म गॉडफादर का फर्स्ट लुक आने वाला है। गॉडफादर फिल्म का फर्स्ट लुक 4 जुलाई को शाम 5:45 पर आने वाला है। ये फिल्म 2019 में आई मलयालम सुपरहिट फिल्म लूसीफर की रीमेक है। रामचरण का एक नया लुक सामने आया है। यहाँ इस फोटो में आप रामचरण को एक नए हेयर स्टाइल के साथ बिल्कुल नए लुक में देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि रामचरण इसी लुक में शंकर की अपकमिंग अनटाइटल फिल्म में नजर आएंगे, तो लुक काफी अच्छा लग रहा है। क्रिस पैड की एक्शन थ्रिलर सीरीज द टर्मिनल लिस्ट को अमेज़न प्राइम पर रिलीज किया गया है। द टर्मिनल लिस्ट में आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे। ये सीरीज हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम भाषा में भी अवेलेबल है। साथ ही स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 पार्ट 2 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। पार्ट 2 में आपको 2 एपिसोड देखने को मिलेंगे, 8 और 9। 8वां एपिसोड 1 घंटा 25 मिनट का है, वहीं 9वां एपिसोड 2 घंटा 22 मिनट का है। लेकिन सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि इसका 5वां सीजन भी जरूर आएगा। तो सीजन 4 पार्ट 2 के ये दोनों एपिसोड आपको कैसे लगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।